हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ये है कि अगर आपका चौथा या पांचवा महीना चल रहा है फ्रेंड्स, तो चौथे और पांचवें महीने में बेबी बॉय के मेरे साथ कौन से ऐसे सिम्टम्स हुए थे जिसको जान के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है एक बेबी बॉय होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपको कई हद तक अनुमान लग सके और आप तैयारी कर सको कि बेबी बॉय के लिए कौन सी तैयारी की जाती है, घर को कैसे डेकोरेट जो है वो किया जाता है, और बेबी गर्ल के टाइम पे आपको कौन से सिम्टम्स नज़र में आते हैं। तो हर एक महिला के मन में ये सवाल जरूर चढ़ता है फ्रेंड्स, 1 से लेकर 9 महीने के बीच में, कि जो ये सिम्टम्स मेरे साथ हो रहे हैं फ्रेंड्स, इससे मुझे बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स, हर एक महिला के साथ, जैसे कि हर एक महिला की अलग अलग प्रेगनेंसी होती है, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ हर एक महिला के सिम्टम्स भी, मतलब कि जो भी महिला के साथ लक्षण हो रहे हैं वो भी हर एक महिला के साथ जो है वो अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। बट मैं आप आज को जो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको ये बताऊँगी कि मेरे टाइम पर चौथे और पांचवें महीने में मेरे रियल बेबी बॉय के सिम्टम्स क्या थे, ताकि आपको पता लगा सकता है इससे 80% कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जो भी मेरे सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये सिम्टम्स जो है ना 100% सही हो, मगर माता रानी की इतनी अच्छी दुआ है फ्रेंड्स कि जो सिम्टम्स मेरे साथ मेरे बेबी बॉय के टाइम पे थे वो बहुत सारी महिलाओं के ऊपर सटीक बैठे हैं और उनको जो है बेबी बॉय हुआ है। तो इसका अंदाज़ा लगाना 100% बहुत मुश्किल है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। बट हम जो हमारे, जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जो है ना, हमारी बॉडी शेप को देख के, हमारे खान पान के तरीके को देख के, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, उस चीज़ को देख के जो है ना बहुत ही सटीक अंदाजे बता देते हैं। तो वही चीज़ें जो है मेरे साथ भी बताई गई थी, ताकि उन्होंने मुझे बोला था कि बेबी बॉय होगा, और सच में जो है फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ है। मैंने कई बार जो है बच्चे की वीडियोस, मेरे बेटे की वीडियोस जो है आपके साथ शेयर भी की है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका चौथा या पांचवा महीना चल रहा है, तो मेरे साथ चौथे और पांचवें महीने में क्या हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरे साथ क्या हुई थी फ्रेंड्स, कि जब मेरा चौथा और पांचवा महीना लगा था, तो हाथ पैर जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लग गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपको सभी को पता है, मैं सभी को बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई थी तो वो 12 मई को हुई थी। तो उस टाइम पे जो है ना, चौथे पांचवा महीना जो है ना मेरा, उस टाइम पे इतनी ठंड नहीं थी, ठीक है। चौथे पांचवें महीने में मेरी इतनी ठंड नहीं थी। कहीं आप ये सोचो कि दिसंबर में और जनवरी फरवरी में तो मतलब कि हाथ पैर ठंडे होते ही हैं, तो उसका कोई रीज़न नहीं है फ्रेंड। जब मेरा चौथा या पांचवा महीना था, मई जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त में इतनी ठंड नहीं पड़ती, आप सबको सभी को पता है। तो तब भी मेरे जो है ना हाथ पैर जो है बहुत ज़्यादा ठंडे रहते थे, जिसके कारण मेरे जो भी बड़े बुज़ुर्ग कोई हाथ पकड़ता था ना, तो वो ये बोलता था कि इतने ठंडे लग रहे हैं और आपको जो है बेबी बॉय के ज़्यादा चांस हैं। पहले वीडियो जो मैंने बताई थी ना आपको, वो ये बताई थी कि 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपके हाथ पर गर्म रहते हैं। अब वो गर्म क्यों रहते हैं, उस टाइम पे आपका बच्चा जो है, भ्रूण जो है वो बन रहा होता है, तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे हाई रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में आपको गर्म लगेंगे, आपका शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है उस टाइम पे, और चौथे या पाँचवा महीना जब आपका लग रहा है, तो आपके हाथ पैर जो है आपको वो ठंडे महसूस होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा सिम्टम्स जो होता है वो ये होता है फ्रेंड्स, कि अगर आपका पाँचवा महीना लग गया है, तो पाँचवें महीने में और चौथे महीने में ना फ्रेंड्स, छोटा पेट जो है ना, हर एक गर्भवती महिला का जो है ना, जैसे कि एक हर एक महिला को ये उमंग होती है कि जब हमको प्रेगनेंसी होगी तो हमारा पेट जो है वो कब दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि जब आपका चौथा या पाँचवा महीना लग रहा है और आपको देख के कोई भी नहीं बता पा रहा है कि आपके आपको जो है प्रेगनेंसी है, और आपका पेट भी जो है अभी छोटा ही निकला है, ठीक है,
तो बोला जाता है कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेटा होगा। और जिन महिलाओं का पेट जो है वो तीसरे महीने में दिखने लग जाता है या फिर 3.5 महीने में दिखने लग जाता है कि देख के ही पता लगता है कि इनको प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है, थोड़ा सा पेट बाहर को हल्का सा दिखाई देता है, तो कहा जाता है कि आपके जो बेबी है वो बेबी गर्ल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स 4वें और 5वें महीने में हल्का सा पेट आपका इसलिए दिखता है क्योंकि पहले क्या था कि आपका बच्चा जो है ना वो पैल्विक एरिया में होता है आपका, मतलब कि नाभि के नीचे होता है। ठीक है, तो जब आपका 4वां या 5वां महीना चलता है आपका, तो आपका बेबी जो है ना थोड़ा सा ऊपर आता है, आपका यूट्रस जो है वो थोड़ा सा ऊपर आता है, तो इसलिए हल्का सा आपका पेट जो है वो दिखने लगता है। तो इसके पीछे का कारण ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि अगर आपका 5वें महीने का एंड हो गया है, ठीक है 6th मंथ आपको नहीं लगा है, 5वें महीने का अगर आपको एंड हो गया है, लास्ट वीक चल रहा है, उस टाइम पे आपका पेट जो है ना नीचे की ओर आपको दिख रहा है, मतलब कि लटका हुआ आपको महसूस हो रहा है, भारीपन आपको महसूस हो रहा है, कड़कपन जो है आपको नीचे की ओर महसूस हो रहा है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत सटीक अंदाज़ा ये बताते हैं कि इन महिलाओं को जो है बेबी बॉय हुआ है। और हुआ भी है फ्रेंड्स और होता भी है, क्योंकि मेरे साथ ये बातें बहुत सटीक बैठी है और मेरी बहुत सारी ऐसे सब्सक्राइबर है क्यूट क्यूट जिनको जो है बेबी बॉय हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास जो है ना जन्माष्टमी पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि दीदी हमारे पास भी एक बाल गोपाल आ गए हैं, एक कान्हा जी आ गए हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसी जिज्ञासा है जानने की, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को रोज़ ज़रूर देखिए करिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताया करते हैं कि जिन महिलाओं के गर्भ में बेबी बॉय होता है उन महिलाओं को जो है ना बाएँ करवट सोने में अच्छा लगता है, मतलब कि आपको बाएं करवटी सोने में अच्छा लगता है, बाएं करवटी सोने में आपको कंफर्टेबल फील होता है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे पसंद भी बाएं करवट है, और आपको बाएं करवट ही बहुत गहरी नींद आती है। तो अंदाज़ा वो ये लगाते हैं कि अगर महिला बाएं करवट सो रही अच्छे से, तो आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होगा। बट फ्रेंड्स मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी करवट को, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि बाएं करवट में बेबी बॉय होता है तो आप बाएं करवट ही सोएंगे कि हमको जो है बेबी बॉय होगा। देखिए क्या होता है, जब आप लेफ़्ट वाली करवट सोते हैं ना, और डॉक्टर भी यही एडवाइज़ करते हैं कि आपको मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लेफ़्ट वाली करवट लेके सोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके बच्चे तक जो आपसे ब्लड जा रहा है वो ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा जाता है, और जो आपके खाने आप जो खा रहे हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के मुंह में जा रहा है वो खाना भी फूड नली से होके जो है बच्चे तक अच्छे से जाता है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको क्या करनी है कि जब आप खाना खा के आधे घंटे या एक घंटे बाद लेट रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सीधा नहीं लेटना है, आपको लेफ़्ट वाली करवट लेके लेटना है, ताकि जो भी चीज़ आपने खाया है वो बच्चे को पहले अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, फिर आप अपनी करवट को चेंज कर सकते हो, पोजीशन को अपने चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप सीधे भी सो सकते हो, आप राइट भी सो सकते हो, आप लेफ़्ट भी सो सकते हो, मगर ज़्यादा आपको फोकस रखना है कि आपको लेफ़्ट वाली करवट पे ही लेके सोना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा सटीक है, वो ये है फ्रेंड्स कि आपको जो है ना, जैसे कि आपका अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है सेकंड ट्राइमेस्टर लग गया है, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि 4वां, 5वां, 6वां महीना अगर लग गया है आपको, तो आपके पेशाब का कलर जो है वो पीला ही पीला आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो पीलापन होता है ना, ये एक बेबी बॉय के टाइम पे ही होता है कि आपके पेशाब का कलर जो है ना वो पीला हो रहा है। ठीक है, बट मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि अगर आपको यूरिन में जो है कोई इन्फेक्शन है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो उसकी वीडियोज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा। बट अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर लग गया है, आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तो आपके गर्भ में होने वाला शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होगा। पीलेपन से
हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने ये अंदाज़ा लगाया है, ये अंदाज़ा बहुत सारी गर्भवती महिलाओं के ऊपर जो है वो सटीक बैठा है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई सवाल हो फ्रेंड्स, कोई आपको कुछ मेरे से बात पूछनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ, और जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।